नमस्कार गाइस, मेरा नाम शिवम कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पिंकी शिवम दुबे ऑफिशियल। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस मेरे पिंकी शिवम दुबे ऑफिशियल के मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली होंगे सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और देख सकते हैं दोस्तों, आज 1 अक्टूबर है, तो अभी हम लोग जस्ट तुरंत सोकर उठे हैं और अभी हम लोग देखिए अभी ना तैयार हुए ना कुछ। पिंकी तो एकदम चुड़ैल लग रही है ना पिंकी। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं पिंकी शिवम दुबे ऑफिशियल पे, वो फटाक से नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन चल रहा है, उस पर क्लिक करके हमें कर सब्सक्राइब, और बगल में अलाउ बटन है उस पर कर दे अलाउ। और जितने भी लोग हमको फेसबुक पे देख रहे हैं वो कृपया उनसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे भाई बहन नए हैं और फेसबुक पेज पर हमारे देख रहे हैं वो फटाफट से हमारे फेसबुक को करें फॉलो, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो देखिए अभी हमने चाय भी नहीं पी, अभी तुरंत सोकर उठे हैं। देख सकता हूँ कि ये देखिए अभी हमारा रूम सब कैसा है, अभी रूम भी हमारा सब वैसे ही पड़ा हुआ है, अभी इसको भी सब मतलब अच्छे से करेंगे। और उसके बाद से अभी मैं जाऊँगा ड्यूटी जाऊँगा, उसके बाद से मतलब ड्यूटी में तो हमारे फ़ोन अलाउ नहीं है, तो मैं अपना फ़ोन ड्यूटी नहीं लेकर जाता हूँ, मगर जब ड्यूटी से आऊँगा तो उसके बाद से मतलब जो भी करूँगा और जो भी हम पिंकी करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे, और उस समय दिखाएंगे। देखिए अभी पिंकी कैसे लग रही है, और जब मैं आऊँगा तो पिंकी को अच्छे से तैयार करके रखूँगा और पिंकी कैसे लगेगी। और जब तक मैं नहीं हूँ, पिंकी अगर दोपहर में जो भी करेगी आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट करेगी, और वो आपको ब्लॉग इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बस उम्मीद है कि आप स्किप ना करें और हमारे वीडियो में बने लास्ट तक। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और देखिए दोस्तों, काफ़ी दिन हो गया हम लोग अपना पहले जैसा ब्लॉग नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पानीपत में जब से आए हैं मुझे खुद आइडिया नहीं मिल रहा कि किस टाइम मैं ब्लॉग बनाऊँ और किस टाइम आप लोगों को दिखाऊँ और कैसा ब्लॉगिंग करूँ मैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को किस मतलब किस डिमांड का आप लोग को ब्लॉगिंग चाहिए, हम और सब ब्लॉग बनाएंगे, है ना पिंकी। तो क्या कहना चाहोगे अपने सब्सक्राइबर्स से? गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं प्रमित कथावला, जो हमसे बड़े हैं जो हमसे उन लोगों का नमस्कार बोलती हूँ, और जो हमसे छोटे हैं उनको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, और जितना हमारे भाई बहन हमारे जितना चाचा चाची जितना हमारे दादा दादी सब भी हमारी वीडियो देख रहे हैं उन लोग को मैं दिल से नमस्कार बोल रही हूँ। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। देखिए अभी हम सो के उठे हैं, अभी हमारा तबीयत खराब है, बहुत तबीयत खराब है, अभी देख रहे हैं सर में तेल लगाए हैं, रात को सर में तेल लगा कर सोई थी, मैंने हमें क्या पता है बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ है, दिक्कत है। तो आप लोग के पास मैं शेयर करूँगी, तब तक आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहें, और हमारे फेसबुक है पिंकी शिवम दुबे के नाम से, जिसका स्क्रीन शॉट आपको स्क्रीन पे या तो इस साइड नहीं तो इस साइड जहाँ भी एडजस्ट होगा तहाँ हम लगा देंगे, और आप देख सकते हैं ये हमारा फेसबुक पेज है, कृपया आप जाएं इसे फॉलो करें और प्यार से कमेंट जरूर करें, है ना। और देखिए मैं गांव आऊँगी तो आप लोग से तब बताएगी करूँ कब गाँव पे, अगले महीने में गाँव आऊँगी, तो क्योंकि मेरा तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं गाँव आना चाहती हूँ, तो मैं अगले महीने में गाँव आऊँगी, तो वहाँ पे अपने घर पे जाऊँगी, अपने घर के वीडियो सारा बना के आप लोगों को मुद्दा नहीं है। चलिए दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, अब हम दिखाने जाएंगे आपको कि हम क्या करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया अभी, जिस वीडियो में आपने कुछ ही देर पहले देखा होगा कि मैं उसमें बोल रहा था कि सोकर अभी अभी हम तुरंत उठे हैं और पिंकी अब मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, तो आज पिंकी अकेले भी इसमें वीडियो बनाएगी, सब बताएगी अकेले कैसे रहती है, सब कुछ बताएगी। मगर बहुत दुखी की बात है कि पिंकी ने अकेले वीडियो नहीं बनाया। आखिर क्यों नहीं अकेले वीडियो बनाई? क्या पिंकी अकेले वीडियो नहीं बना पाती है कि पिंकी से अकेले वीडियो नहीं बनता है? क्या दिक्कत है कि मतलब पिंकी ने आज अकेले दोपहर में वीडियो नहीं शूट किया है? तो आइए हम सब जानने की कोशिश करेंगे। पिंकी से बगल में बैठी हुई है पिंकी, और देख ही सकते हैं अभी पिंकी के चेहरे पे कितना लाइट है, और सुबह जब सो के उठती है तो पिंकी कैसे चुड़ैल जैसे लगती है, और जब दोपहर होता है तो पिंकी जब नहा धो लेती है तैयार हो जाती है तो एकदम इतनी स्मार्ट लगती है। तो आइए बात करते हैं पिंकी से, क्या लगती है? बढ़िया है। ड्यूटी गया था तो कैसा लग रहा था? बहुत बुरा लग रहा। क्यों बुरा लग रहा था? अकेले अच्छा नहीं लग रहा था। अकेले अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं तुम्हें बोल के गया था, सुबह वीडियो हम लोग बनाए थे उसमें बोल के भी गया था कि दोपहर के मैं एक वीडियो बना लेना 2 मिनट का, जिसको हम लोग डालेंगे अपने चैनल पे, तो क्यों नहीं वीडियो बना पाई? और सृष्टि बना ही नहीं थी। सृष्टि नहीं बनाने थी? नहीं बनाने थी। क्या कर रही थी? सोची थी लाइव भी चलाएंगे तो लाइव भी नहीं चलाने, जब भी गाना वाना सुनते हैं जब वीडियो बनाते हैं कहीं कोई करने लगती है, बनाना नहीं देती है वीडियो। सृष्टि का वीडियो बना पाई कि नहीं? हाँ, सृष्टि का वीडियो बना के डाले हैं। लॉन्ग में या शॉर्ट में? नहीं, वीडियो बनाए हैं लॉन्ग, आप उसमें एड करके डालिएगा। लॉन्ग बनाई हो? हाँ। कितने मिनट का? 1 मिनट।
एक मिनट का तो आइए देखिए स्क्रीन पर चल रहा है सृष्टि का भी वीडियो जो पिंकी ने बनाया है। तो देखिए सृष्टि का बगल में वीडियो चल रहा है। अगर इधर सेट बैठता है तो हम इधर बैठाएंगे, अगर इधर बैठेगा तो इधर बैठाएंगे। देखिए बगल में आप लोगों को जरूरी सृष्टि दिख रही है जो आज पिंकी ने बनाया। इसे इसका थोड़ा सा क्लिप हम लोग स्टार्टिंग में भी लगाए हैं, है ना पिंकी? तो क्या दिक्कत था? मम्मी भी कहाँ थी, नानी कहाँ थी कि तुम मतलब सृष्टि तुम्हारे पास दिन भर तुम्हें परेशान की है? सृष्टि परेशान नहीं की थी। सृष्टि को मैं फोन कर तो बोली मम्मी सृष्टि को लाइए, मम्मी लाकर सृष्टि को दे दी। तो मम्मी आई थी तो बोले लेकर जाए अपने रहने दीजिए हमारे पास। तो दिन भर हम अपने पास उसको रखे तो ना वीडियो बनाने देती है ना कुछ करने देती, यहाँ तक मोबाइल भी नहीं चलाने देती है। थोड़ा सा भी गाना बजा देंगे तो कहीं कहीं करने लगेगी। अच्छा। आपको पता है ना रोने लगती है, गाना भी नहीं सुनती है। तो इसीलिए मैं वीडियो शूट नहीं की। और यार तुम क्या हाथ में पकड़ रहे हो, क्या चीज है? ये हमारा माइक है। माइक है, इसे क्या होता है? इसे वीडियो बनता है, अच्छा वीडियो बनता है, आवाज अच्छा आता है, क्वालिटी अच्छा होता है। तो क्या क्या दोपहर में तुमने किया? हम बस खाली सृष्टि के लेके खिला रहे थे, दूध पिला रहे थे, सब कर रहे थे, बाकी अब कुछ नहीं। सृष्टि तुम्हारे पास कैसे थी, मतलब अच्छा अच्छे से थी? हाँ अच्छा थी ना। अच्छा बहुत लोग हमारे कमेंट कर रहे हैं कि शिवम भैया और पिंकी दीदी झूठ बोल रहे हैं, शिवम भैया अपने मम्मी पापा के पास नहीं है, कहीं और पे हैं, या फिर जब मम्मी पापा के पास है तो मम्मी पापा को अपने वीडियो में क्यों नहीं लाते हैं, और मम्मी पापा से अलग रूम में है कि हम लोग कैसे, मतलब तुम सब बताओ अपने भाइयों बहनों को, जितने भी हमारे दोस्त हमारी वीडियो देख रहे हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी वीडियो देख रहे हैं, उन लोग को बताओ क्या दिक्कत है, क्या मतलब क्या है कि मतलब ऐसा कमेंट आ रहा है अपने चैनल पे? मतलब जैसे कमेंट आ रहा है कि पिंकी और शिवम अपने मम्मी पापा पास नहीं है, और अगर पास में है तो वो लोग वीडियो में नहीं, वीडियो में क्यों नहीं आते हैं, क्या दिक्कत है बताओ? देखिए उन लोगों को वीडियो में आने का शौक नहीं है, हम उन्हीं लोग के पास हम लोग हैं, बात यही है। और आप लोग कमेंट करते हैं तो ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए अगर बहू ससुर के पास नहीं रह सकती है, आप लोगों को तो पता ही है, और रह सकती है जब खाना पानी के देने को उस समय पर रह सकते। मैं तो खाना पानी बना नहीं सकती हूँ, खाना पानी तो नहीं बना सकती, नहीं बना सकती, नहीं कुछ कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और पहले तो बोलते थे हम सब कर लेते हैं, कर लेंगे, बट नहीं करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा मेरा दिक्कत है इसलिए नहीं करती हूँ। तो फिर क्या हुआ, इसीलिए हम लोग का पास ही में रूम है। देखिए दोस्तों पिंकी पहले वीडियो में बताती थी कि हम अपने से सब कुछ अपना काम कर लेते हैं, मगर इस वीडियो में पिंकी बता रही है कि हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे यहाँ से कम ज़्यादा ही नहीं मानिए तो तीन घर वाले मम्मी पापा और नानी रहते हैं वहाँ पे उनका रूम है, और जो हमारे मम्मी पापा का रूम है उसमें जो भी हम लोग खाना बनता है वहीं पे बनता है, हम लोग अपने रूम में नहीं बनाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी पिंकी भले बोलती है मगर कर लेगी, ऐसा बात नहीं है नहीं कर पाएगी, मगर अभी उतना नहीं कर सकती है पिंकी, ना ही करती है। प्लस में इसका ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुआ, सबको आपको मालूम है सृष्टि हमारी सर्जरी से हुई है। और ये भी नहीं अच्छा लगता है कि मतलब मम्मी पापा के पास रह के अलग बर्तन लाए, अलग चूल्हा लाए, अलग खाना बनाए, अच्छा नहीं लगता, इसलिए पिंकी अभी खाना नहीं बनाते। खाना कौन बनाता है? खाना मम्मी बनाती है, नानी बनाती है। तो वो कौन करता है? हम करते हैं, छोटा मोटा अपना काम कर लेती है। हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है, तुम अपना छोटा मोटा काम कर लेती। देखिए दोस्तों आप लोग जैसा कमेंट करते हैं कि पिंकी और शिवम अपने मम्मी पापा के पास नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, देखिए आप लोग कमेंट कुछ भी कीजिए, हमें कमेंट से कोई मतलब नहीं है। कमेंट हमें चाहने वाले जो है अच्छे भी कमेंट करते हैं, खराब भी कमेंट करते हैं। और हम सोशल मीडिया पे हैं तो खैर हमारे चैनल पे हमारा जो पिंकी शिवम दुबे ऑफिशियल पेज है इस पे जो फालतू कमेंट है, गंदा कमेंट है, वो तो हमारे पे बराबर आता है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो भी एक्टिव होता है, जिसको मतलब जो ज़्यादा हाईलाइट में चलता है, अच्छा भी कमेंट आता है, बुरा भी कमेंट आता है, तो बुरे कमेंट को हम लोग इग्नोर करके हम लोग को चलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे हैं इसलिए बुरे कमेंट को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। तो देखिए कमेंट पे नहीं जाना चाहिए कभी भी, अगर सोशल मीडिया पे हैं तो कमेंट को इग्नोर कीजिए और अपना काम कीजिए, ना पिंकी? और जो आप लोग बोलते हैं कि शिवम भैया अपने मम्मी पापा भाइयों के साथ वीडियो बनाओ, तो देखिए वो हमारे चैनल पे पॉसिबल अभी नहीं है, हम नहीं बना सकते हैं साथ में हमारे मम्मी पापा को वीडियो में आना, ये सब अच्छा नहीं लगता। क्योंकि काफ़ी आपने देखा होगा जब हम लोग नए नए शादी किए थे, हम लोग का इंटरव्यू चल रहा था, तो बहुत से मतलब इंटरव्यू चला, मतलब कितना इंटरव्यू हुआ होगा कम से कम अभी तक?
मेरे को पता नहीं, आप ही बताइए। 1000 से ऊपर हमारा इंटरव्यू हुआ है। 1000 से अधिक हुआ है, वही 1000 प्लस हमारा इंटरव्यू हुआ है ना। तो देखिए दोस्तों, पिंकी भी ये बात को बोले, 1000 प्लस हमारा इंटरव्यू है। उतने इंटरव्यू में पिंकी के भी घर वाले कोई नहीं आए, बस पिंकी की मम्मी आई है। और पिंकी की मम्मी काफ़ी हमारे इंटरव्यू में आई है, तो पिंकी की मम्मी भी थोड़ा उल्टा सीधा कमेंट करती है, इंटरव्यू देते थे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले सब गुस्से थे तो कमेंट करते थे, मगर हमारे घर के देखे होंगे, हमारे पापा जो हैं बस एक ही इंटरव्यू में आए थे, वो भी मतलब सबको बताने के लिए, सब कुछ सच्चाई बताने के लिए। तो देखिए, हमारे मम्मी पापा शुरू से ही सोशल मीडिया पे ना ही आए हैं, ना ही आना उनको पसंद है। हाँ, रह गया बात कि अपने भाई को शिवम भैया पर ले। तो देखिए, हमारा भाई का खुद का एक नया चैनल है, हमारा भाई बनाया है, और उसका चैनल क्या है अभी मैं भी नहीं जानता हूँ, मैंने अभी पूछा भी नहीं है, क्योंकि हाल ही में अभी एक ही दो दिन पहले हमारा भाई चैनल बनाया। उसका जो भी चैनल होगा मैं उससे पूछ करके और आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा किसको जानना है कि हमारे भाई का कौन सा चैनल है। और उसके चैनल में एक दोस्त का ब्लॉगिंग है जिसमें मैं हूँ और उसके साथ में हूँ, तो आप लोग उसके चैनल पर जाइएगा, उसके चैनल को विजिट कीजिएगा, उसमें हमारे भाई आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि उसके ब्लॉगिंग में कहीं मम्मी पापा भी देखने को मिलेगा ना पिंकी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके चैनल पर जाइएगा। वीडियो में का जो हम अपना मतलब वीडियो बनाने समय जो अपना फ्लैश लाइट लगा कर हम वीडियो बनाते हैं, रिंग लाइट कोई दिक्कत होगा, चार्ज नहीं होगा, कुछ होगा, लाइट ऑफ हो चुका है फ्लैश हमारा। खैर कोई नहीं, हम अपना वीडियो को कंटिन्यू करते हुए वीडियो अपना कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, उसके चैनल पर जाइएगा तो सबको ही आपको देखने को मिलेगा। छोटा भाई है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप उससे रिक्वेस्ट है, उसके चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, प्यार दें और बहुत सारा आशीर्वाद दें उसे, क्योंकि अभी वो नया है और सोशल मीडिया पे नया नया है, उससे कुछ गलती भी हो जाए तो उसको अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कीजिएगा।